चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव थाने की खबरों में। जैसलमेर के फतेहगढ़ में पिथला गांव में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कथावाचक पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कथा में सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन किया। अजमेर के अराई में छोटा लामा गांव में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने आलाधिकारी पर द्वेषतापूर्ण बर्ताव करने और आंगनबाड़ी केंद्र पर ताला लगाने का आरोप लगाया है। धौलपुर के सेपो कस्बे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय को बने हुए 2 महीने बीत जाने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने अभी तक शौचालय पर ताला लटका रखा है। लोगों का कहना है कि शौचालय निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बावजूद आए दिन महिलाएं पुरुष खुले में पेशाब करने को मजबूर है, जिससे कि लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के ओसिया कस्बे में स्थित श्री सच्ची आय माताजी मंदिर में नवरात्र महोत्सव में धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। यह माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना की जा रही है। नवरात्र के चौथे दिन आज माँ कुष्मांडा माता जी की पूजा की गई। पाली की देसूरी के पुनाड़िया ग्राम के जोड़ में उज्जैनी वीर मामा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दौरान पुनाड़िया ग्राम सहित आसपास के गांवों के कई वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। यहां बाली विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे रतन जड़वा भी प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे, जिनका लोगों ने स्वागत सम्मान किया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में हनुमान जयंती पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर कस्बे के कष्टभंजन हनुमान मंदिर के तत्वाधान में होने वाले महोत्सव को लेकर 2 दिवसीय कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। यहाँ श्री बालाजी नवयुवक मंडल की बैठक में हनुमान जयंती के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। यहाँ पर हनुमान जयंती से एक दिन पहले 30 मार्च को एक शाम बालाजी के नाम विशाल भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा में दिनदहाड़े बाइक चोरी का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित की रिपोर्ट के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। झुंझुनू के खेतड़ी में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सफाई कर्मचारी नहीं लगाए जा रहे हैं। इससे गुस्साए ग्रामीण नगरपालिका कार्यालय पहुंचे और नौकरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। यहां पर 2 दर्जन लोगों ने ईओ पुरुषोत्तम अवस्थी को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के गांव सहारणी में तबीयत बिगड़ने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवाहिता के स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। श्री गंगानगर के सादुल शहर में दहेज मांग को लेकर विवाहिता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। विवाहिता ने दहेज प्रताड़ना को लेकर ससुराल पक्ष के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के शाहपुरा में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित भाबरू के पास हरियाणा रोडवेज बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवाया और मामले की जांच में जुट गई। बारा के अंत में काली सिंध पुलिया पर एक निजी बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार 2 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें कोटा भेजा गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बारा के छपड़ा में घट्टा वन खंड में अज्ञात कारणों के चलते वन विभाग प्लांटेशन में आग लग गई। इसे करीब 2 बीघा भूमि में आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बारा के छपड़ा कस्बे में अन्नपूर्णा स्मार्ट वैन का शुभारंभ हुआ। यहां पर क्षेत्र विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने इसका आगाज किया। इस योजना से अब तक क्षेत्र के लोगों को सस्ता खाना और नाश्ता उपलब्ध हो पाएगा। बारा के छपड़ा में थर्मल से लाखों रुपए का लोहा चुराने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाड़मेर की समदड़ी में मरुगंगा लूनी नदी रामपुरा में केमिकल युक्त पानी पहुंच रहा है। यहां पर पाली जिले से फैक्ट्रियों से हर साल केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि किसानों की फसलों को हर साल नुकसान हो रहा है। किसानों द्वारा कई बार सरकार को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सीकर के नीम का थाना में अतिक्रमण हटाकर लौट रहे पालिका दस्ते पर हमले के मामले में पालिका कर्मचारी एकजुट होकर हड़ताल पर चले गए हैं। मामले में 7 दिन बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर यह कदम उठाया गया है। अजमेर के भिनायम में पंचायत समिति की साधारण सभा में जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं का समाधान नहीं होने पर रोष जताया। यहां लोगों ने पेयजल बिजली सड़कों सहित मूलभूत सुविधाओं के अभाव पर रोष जताया। जालौर के भीनमाल में स्वच्छ भारत अभियान की कई जगह खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां जाकोबा तालाब के पास क्षेमकारी माता मंदिर जाने वाले मार्ग पर खाली भूखंडों में लोग खुले में शौच जा रहे हैं, जबकि भीनमाल नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 और 10 को ODF घोषित किया हुआ है। जालौर के जसवंतपुरा कस्बे में आबकारी दुकान संचालकों की ओर से आबकारी नियमों की अवहेलना की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर शराब की दुकानें देर रात तक खुली रहती है और शराब की बिक्री की जा रही है। वहीं प्रिंट रेट से ज्यादा राशि में शराब बेची जा रही है। जालौर के आहोर उपखंड के सैकड़ों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा देने के लिए 3 साल पहले राज्य सरकार ने महाविद्यालय शुरू तो कर दिया,
लेकिन कॉलेज भवन नहीं होने से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रावास में संचालित किया जा रहा है। जालौर की सायला में पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों सहित कार्मिकों के पद रिक्त होने से पशुपालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पशु बीमार होने पर लोगों को निजी पशु चिकित्सकों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे कि पशुपालकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। सिरोही के शिवगंज शहर के नागरिकों ने शिवगंज सुमेरपुर के समीप स्थित जवाई नदी में कचरा व मलबा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करवाने की मांग की है। नागरिकों ने बताया कि इस वर्ष बारिश के समय पानी बहने से जवाई नदी की सफाई हो गई थी, लेकिन अब फिर से नदी के अंदर कचरा व मलबा डाला जा रहा है। सिरोही के आबू रोड तलेटी से माउंट आबू जाने वाले मार्ग पर सुरक्षा दीवार टूटी होने के चलते यहां से गुजरने वाले वाहन चालकों को हर वक्त हादसे का अंदेशा लगा हुआ है। हिल स्टेशन होने के कारण इस मार्ग पर प्रतिदिन कई वाहन गुजरते हैं। सुरक्षा दीवारों को प्रशासन की ओर से समय समय पर चरणबद्ध रूप से बनाया जाना चाहिए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा जल संसाधन विभाग की उदासीनता के चलते पीवीएन वितरिका टूटने की कगार पर है। किसानों ने बताया कि चक 20 पीवीएन पुल के नजदीक वितरिका के एक साइड का हिस्सा संभाल के अभाव में क्षतिग्रस्त हो रहा है। इस हिस्से की पूर्व में मनरेगा के तहत मरम्मत भी हुई, लेकिन पटरी पर बार बार क्षतिग्रस्त हो रही है। हनुमानगढ़ की नोहर उप तहसील खुइया में कबीर ग्रंथ कोचिंग शिक्षण संस्थान के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी एस चौधरी व ईएनटी डॉक्टर अनिल सिहाग ने 201 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दवाइयां दी। डॉक्टर रामेश्वर लाल जांगी ने नशे के दुष्प्रभाव भी बताए। हनुमानगढ़ के भादरा में रिश्तों की आड़ में दुष्कर्म करने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुनील जाट निवासी केमरी शादी का झांसा देकर 2 साल से दुष्कर्म कर रहा था, बाद में शादी करने से उसने इनकार कर दिया। चलिए खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में, और खबर अलवर से है जहां पर तिजारा में अटल सेवा केंद्र सचिव कार्यालय लुहादेरा गांव से अज्ञात चोर राजनेट यूपीएस से 2 बैटरी ले उड़े। सरपंच मनोज यादव ने मामला दर्ज करवाया। भरतपुर की पहाड़ी में केतवाड़ा खादरी बास में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते खेत में गलत तरीके से डाला गया 11 केवी का तार गिरने से फसल में आग लग गई। हालांकि समय पर आग पर काबू पाने से फसल को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भरतपुर के भुसावर में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे भुसावर अस्पताल से भरतपुर आरवीएम अस्पताल रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर चालक को पकड़ लिया। अलवर के रामगढ़ में गोहा गांव के पास पुलिस ने गौरक्षकों और ग्रामीणों की मदद से तस्करों से करीब 2 दर्जन गौवंश मुक्त कराया। पुलिस को देखकर गौतस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गए। रामगढ़ थाना पुलिस ने 2 नामजद और कुछ अज्ञात गौतस्करों के खिलाफ गौवंश अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भीलवाड़ा के गुलापुरा में शाहपुरा मार्ग पर वीकेवी के पास रोडवेज बस के कट मारने से एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार चालक घायल हो गया, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में शहर कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें 24 मार्च को क्षेत्रीय विधायक गोविंद सिंह डोटासरा का अभिनंदन करने का निर्णय लिया गया। पाली की देसूरी में आना ग्राम में एक युवक ने आत्महत्या कर ली, हालांकि आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बारा के चपड़ा में बीएसएनएल उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, नेटवर्क संबंधी समस्याओं के चलते बीएसएनएल की सेवाओं में व्यवधान आ रहा है, जिससे लोग परेशान है। राजसमंद के देवगढ़ में कामली घाट चौराहे पर फिल्मी अंदाज में आए 4-5 अज्ञात युवक दाढ़ी बनाते हुए युवक को कार में बिठाकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। राजसमंद के आमेट में बार एसोसिएशन कार्यालय में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव 28 मार्च को होंगे। आमेट बार एसोसिएशन में पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां 23 अधिवक्ता अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं विधिक परिषद के चुनाव 28 मार्च को होंगे, जिनमें 159 अधिवक्ता अपना भाग्य आजमा रहे हैं। चुनाव की तैयारियों को लेकर एक विशेष बैठक भी हुई।
डूंगरपुर के जौतरी में वीडियो रघुवीर सिंह मीणा ने मनरेगा में शून्य श्रमिक प्रगति पर पांच गांवों के सचिव और जेटीए को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वीडियो ने ग्राम पंचायत रेटा, विकासनगर, पोहरी, खातुराज, जौतरी और पाडली गुजरेश्वर के सचिवों को 17 CC नोटिस जारी किया है। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायतों के पांच जेटीए को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में नगर पालिका परिसर में पीएम जन आवास योजना में आमंत्रित किए गए आवेदन फॉर्म्स की जांच करने के लिए 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र के गांव मिर्जावाली मेर और गांव भोमपुरा के कई चौकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। इन इलाकों में करीब 2 मिनट तक चने के आकार के ओले गिरे, तेज हवाओं के साथ बरसात होने से खड़ी फसलों को काफी नुकसान भी हुआ है। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने एक बकरी चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चुराई गई बकरियां और चोरी में प्रयोग की गई कार सहित 2 जनों को गिरफ्तार किया गया। इन दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिनों के रिमांड पर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लंबे समय से बकरी चोरी का काम कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र के गांव अम्मापुरा ढाणी में एक महिला आग से गंभीर रूप से झुलस गई। पीड़िता ने पुलिस को दिए गए बयान में पति और सास पर केरोसिन डालकर जलाने का आरोप लगाया है। हनुमानगढ़ के नोहर थाना क्षेत्र के गांव बिरकाली में एक शराब ठेके पर चोरों ने धावा बोलकर भारी मात्रा में शराब चोरी कर ली। यहां पर चोर ठेके का ताला तोड़कर नकदी और शराब की पेटियां चोरी कर ले गए। सुबह ठेके का ताला टूटा हुआ देखकर लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी क्षेत्र के मिर्जापुर देव कॉलोनी स्थित एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोर यहां से जेवरात सहित अन्य कीमती सामान ले उड़े। वहीं क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरियों के चलते लोगों में रोष व्याप्त है। सिरोही के पिंडवाड़ा में धनारी राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। चारों के साथियों में एक आंटोला गांव में एक महिला को प्रेम प्रसंग के मामले में गला दबाकर मारने का मामला कोर्ट के जरिए सरवाना थाने में दर्ज हुआ है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस पर 23 मार्च को विशाल तिरंगा रैली का आयोजन होगा। इसमें करीब 2500 स्कूली बच्चे भाग लेंगे। जनजागृति मंच द्वारा सुबह शहीद भगत सिंह पर दुग्ध अभिषेक किया जाएगा और तिरंगा रैली निकाली जाएगी। जालौर की सायला में राजस्व गांव लुम्बा की रानी में 14 साल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होने से विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा नहीं मिल रही है। यह स्कूल में 340 विद्यार्थी अध्ययनरत है जिसमें 213 बालिकाएं हैं। जालौर के जसवंतपुरा में राजपुरा और मालवाड़ा के बीच ओएफसी केबल कटने के कारण क्षेत्र में बैंकिंग कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं मिलने से ग्रामीणों को बैंकिंग कार्यों के लिए दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। बारा के चबड़ा में विद्युत विभाग की तर्ज पर जलदाय विभाग ने भी सख्ती दिखाते हुए बकायेदारों के नल कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया है। जलदाय विभाग ने सरकारी विभागों को नोटिस जमाते हुए 14 लाख की राशि जमा कराने के लिए निर्देश दिए हैं। बारा के चबड़ा में 1 महीने पहले दुकान से मोबाइल चुराने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से मोबाइल बरामद कर उसे कोर्ट में पेश किया जहां से आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बारा के चबड़ा में चुनावी बैठक में अभद्र व्यवहार करने पर बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। इस दौरान बीएलओ पर अन्य बीएलओ को भी बहिष्कार के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। भीलवाड़ा के आसिन में क्षेत्र की जिंदराज ग्राम पंचायत में फर्जी दस्तावेज से चुनाव लड़ने की आरोपी महिला सरपंच को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी सरपंच को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा थाना क्षेत्र के सरदार नगर से फरार हुई युवती को उदयपुर से पुलिस ने बरामद कर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। कोर्ट के आदेश के बाद युवती को परिजनों के हवाले कर दिया गया। भीलवाड़ा के बनेड़ा में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में विविध धार्मिक अनुष्ठान जारी है। इस अवसर पर खारिया कुंड स्थित हनुमान मंदिर में अखंड रामधुनि का आयोजन किया जा रहा है। सीकर के अजीतगढ़ में दिवराला में राशन डीलर दुकान पर स्टॉक में खामियां मिलने पर प्रवर्तन निरीक्षक पूजा शर्मा ने राशन डीलर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सीकर के अजीतगढ़ में चोरियों का सिलसिला रोकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। यहां तक कि चोर स्कूल को भी नहीं बख्श रहे हैं। वहीं दिवराला में संस्कृत विद्यालय में भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय संघ ने अंबेडकर सर्किल पर स्थापित अंबेडकर वाचनालय के बाहर लगी अवैध शराब की दुकान को हटाने की मांग की है। इसके लिए एसडीएम को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। भरतपुर के नगर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं की बैठक नगला स्थित रामरतन मंदिर पर हुई। इस दौरान अध्यक्ष भरत सिंह गुर्जर ने राज्य सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र शुरू करने, 1 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र शुरू करवाने और प्रधानमंत्री बीमा फसल दिलाने की मांग की है।
चलिए खबर पंचायत में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार। Thank you.